नमस्कार दोस्तों, मौशमीज़ कुकिंग डिन पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ वेज ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। ब्रेड रोल को बनाने के लिए पहले हम स्टफिंग को बना लेते हैं। एक पेन पर हम 1 टेबलस्पून सादा तेल गरम करेंगे और इसमें हम 1 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा सा भून जाने के बाद हम इस पर बारीक कटे हुए गाजर डालेंगे, फिर बारीक कटे हुए हरी शिमला मिर्च डालेंगे, कुछ हरे मटर डालूंगी। फिर बारीक कटे हुए हरे बीन्स डालूंगी और फिर कुछ बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिला लूंगी। फिर हम सब्जी पर मसाला ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। फिर हम 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाकर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। तो हमारा सब्जी अच्छे से पक चुका है। अभी हम घर पर बनाए हुए छेना को सब्जी पर डालकर अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट तक इन्हें बिना ढके पकाएंगे। छेना ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। गैस के फ्लेम को ऑफ करने से पहले हम कुछ बारीक कटे हुए हरे धनिया के पत्ते डालेंगे और 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। तो हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। अभी हम इनको एक बॉल पे ट्रांसफर कर देंगे और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। ब्रेड रोल को बनाने के लिए मैंने ब्राउन ब्रेड के कुछ पीसेस लिए हैं। हमें ब्रेड के स्लाइस के चारों किनारों को अच्छे से काट लेना है और रोल को बनाने के लिए हम एक ब्रश की मदद से ब्रेड पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। फिर हम एक बेलन से इस ब्रेड के पीस को थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि रोल बनाने में आसानी हो। ब्रेड के ऊपर हम कुछ टमाटो केचप स्प्रेड कर देंगे और फिर हम हमारे बनाए हुए स्टफिंग को ब्रेड पर डालेंगे और अच्छे से रोल की तरह फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए ताकि ये बाद में खोले ना। तो ये हमारा रोल रेडी है। इसी तरह हम बाकी के रोल को भी बना लेंगे। मैं ब्राउन ब्रेड प्रिफर करती हूँ, इसीलिए मैंने रोल बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड लिया है। आप चाहे तो वाइट ब्रेड से भी रोल बना सकते हैं। व्हाइट ब्रेड थोड़ा सा सॉफ्ट होने के कारण रोल का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, जो ब्राउन ब्रेड में उतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन ब्राउन ब्रेड कंपैरेटिवली हेल्दी होने के कारण हम लुक्स को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। तो ये हमारा रोल फ्राई के लिए रेडी है। हम एक गर्म पैन पर 1 चम्मच बटर डालकर इन्हें मेल्ट होने देंगे और हमारे बनाए हुए रोल को एक एक करके पैन पर शैलो फ्राई होने के लिए डाल देंगे और हम एक एक ब्रेड रोल के ऊपर भी मेल्टेड बटर स्प्रेड कर देंगे, जिससे फ्राई होने के बाद ये क्रिस्पी बने। हमने ब्रेड रोल को डीप फ्राई नहीं किया है क्योंकि ब्रेड जब फ्राई होता है ऑयल पर, तब ये और ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। हम रोल को दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय हमारा गैस का फ्लेम मीडियम ही रहेगा। हाई फ्लेम करने से बटर जल जाएगा, इससे हमारे रोल का टेस्ट बिगड़ सकता है। तो इस तरह हम रोल के दोनों साइड को उलट पलट के फ्राई कर लेंगे। इस रोल को अब बच्चों को स्नैक्स के तौर पर या टिफ़िन बॉक्स में पैक करके भी दे सकते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा।
तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर ले, और अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस तरह हमारे सारे रोल्स फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इन्हें सर्व करने के लिए एक प्लेट पे डालेंगे और टमेटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।